मेरी गोल्ड या गेंदा येलो, गोल्डन और रेड कलर्स के फूलों का खूबसूरत पौधा है। सर्दी और गर्मी दोनों तरह के पौधे होते हैं। इनकी मुख्तलिफ वैरायटीज होती हैं। अफ्रीकन मेरीगोल्ड और फ्रेंच मेरीगोल्ड मशहूर वैरायटीज हैं। अफ्रीकन मेरीगोल्ड की कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जिनका कद बहुत ऊंचा होता है। इनके ऊंचे कद के साथ स्टिक लगाना होती है। जॉफ्री भी मेरीगोल्ड की ही वैरायटी है। इसमें बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं। जॉफ्री के पौधे की देखभाल भी मेरीगोल्ड की तरह ही होती है। मेरीगोल्ड के पौधे पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना होती। इस पौधे को गमले और क्यारी दोनों में लगा सकते हैं। हर किस्म की मिट्टी में पौधा लग सकता है। बेहतर है कि दो हिस्सा बारू मिट्टी, आधा हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट लिया जाए। इसको डायरेक्ट बीज से भी लगा सकते हैं, पनीरी भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक इसकी बीज लगाएं। इसके पौधे बहुत जल्द फूल देने लगते हैं। दिसंबर जनवरी तक फूल आते रहते हैं। बीज लगाने के बाद सुबह की धूप में रखें। दोपहर की तेज धूप में हर किस्म के बीज खराब हो सकते हैं। पौधे निकल आने के बाद धूप में ही रखें। सर्दियों की धूप इन्हें पसंद है। अगर पौधा साया में होगा या धूप कम होगी तो फूल नहीं निकलेंगे। इसके फूल जब खिलते हैं तो काफी दिन रहते हैं। 10 से 15 या 20 दिन भी फूल रह सकता है। इस पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए और ज्यादा फूल हासिल करने के लिए जरूरी है कि इस पौधे की पिंचिंग करते रहें। यानी जो फूल टहनी पर मुरझाने लगे इसको फूल के नीचे टहनी से काट दें। इस तरह पौधा अपनी एनर्जी दूसरे फूलों के बनाने में इस्तेमाल करेगा। निकाले हुए फूलों को सुखा लें। फूलों के अंदर ही बीज बनते हैं। इन बीजों को दोबारा लगा सकते हैं। जब इसका पौधा कुछ बड़ा होने लगे तो इस पौधे को आधा काट दें। इस तरह इसकी मजीद शाखें निकलेंगी और इसकी नशोनुमा अच्छी होगी। और जो आधा काटा है उसको भी मिट्टी या खाद में लगा दें तो जल्द ही जड़ें निकल आएंगी। जब पौधा कुछ बड़ा होने लगे तो ऊपर से टहनी से भी थोड़ा थोड़ा काट दें। इस तरह भी पौधा काफी बुशी हो जाएगा। अगर ऐसा ना किया तो सिर्फ एक या दो ही शाखें निकलेंगी और एक या दो फूल आकर पौधा खत्म हो जाएगा। इसकी कटिंग लगाकर कुछ दिन साये में रखें। एक हफ्ते में जड़ें निकल आएंगी। अगर पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसमें बहुत पत्ते हैं लेकिन फूल नहीं है, तो इसका मतलब है इसे खाद बहुत ज्यादा दी गई है। ज्यादा फर्टिलाइजर से फूल कम बनते हैं। खास तौर पर नाइट्रोजन की ज्यादती से पत्तों की नशोनुमा होती है, फूलों की नहीं। अगर पौधे की मिट्टी हर वक्त गीली रहे तब भी इसकी जड़ों को हवा नहीं मिलेगी और फूल कम निकलेंगे और पौधे की नशोनुमा पर भी बुरा असर पड़ेगा। पानी दिन में एक बार सुबह ही दिया जाए और पानी सिर्फ मिट्टी पर ही दें, पत्तों या फूलों पर कभी कभार दें जब वो मिट्टी से खराब नजर आ रहे हों। इसे सर्दियों की धूप पसंद है। कम धूप से भी फूलों की नशोनुमा मुतासिर होती है, लेकिन सख्त गर्म इलाकों में दोपहर की धूप में ना रखें। इस पौधे पर नुकसानदेह कीड़े और फंगस बहुत कम ही लगता है, वो भी उस वक्त जब पानी बहुत ज्यादा दिया गया हो या बारिश का पानी पौधों में खड़ा रहे। पानी ज्यादा होने की वजह से जड़ें भी गल जाती हैं। बारिश के बाद नीम ऑयल स्प्रे जरूर करें। इस पौधे की पत्तियां पानी में भिगो दें और इस पानी से गार्डन में स्प्रे करें तो कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे, क्योंकि नुकसानदेह कीड़ों को इस पौधे की खुशबू पसंद नहीं। लेकिन इसकी खुशबू पॉलिनेटर्स के लिए अच्छी है। पॉलिनेटर्स गार्डन के लिए फायदेमंद कीड़े हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इनमें तितलियां, शहद की मक्खियां और दूसरे मुफीद कीड़े शामिल हैं। इस पौधे को सब्जियों और फलों के पौधों के पास लगाएं तो सब्जियां नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रहेंगी और पॉलिनेशन पर भी अच्छा असर पड़ेगा। इस पौधे की कटिंग भी आसानी से लग जाती है, इसलिए अगर किसी पौधे का स्टेम टूट जाए तो उसे भी मिट्टी में लगा दें, पौधे की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मेरीगोल्ड नीमाटोड्स के खात्मे के लिए बहुत अच्छा है। जिस मिट्टी में नीमाटोड्स हों ये पौधे लगा दिए जाएं, ये मिट्टी की क्वालिटी को भी बेहतर करेगा और नीमाटोड्स को खत्म करेगा।